स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली न्यूज बुलेटिन में। हमारी खबरों के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक बक्सर। लगन साड़ी एवं पंकज टेलर्स अम्बेसडर होटल के सामने दुल्हा दुल्हन के लिए विशेष परिधान उपलब्ध। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। बक्सर पहुंचे भाजपा उम्मीदवार का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आयकर विभाग की नोटिस से नाराज कांग्रेस ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। बगेन थाना के मनकी गांव में मरने वालों की संख्या हुई 5। मृतक महेश के परिजनों से मिलने धनसोई पहुंचे राजद नेता सुधाकर सिंह। शहर के खलासी मोहल्ला में युवक ने फंदे से लटक समाप्त की जीवन लीला। पिकअप में छुपाकर ले जाई जा रही 7 लाख की शराब जब्त, एक गिरफ्तार। डीएमएसपी ने किया विधानसभावार पोलिंग डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने लिया चुनावी तैयारियों का जायजा। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। भाजपा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी शनिवार को बक्सर पहुंचे, उनका जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। कई जगह बुलडोजर लगाकर फूलों की वर्षा की गई। जब वे सड़क मार्ग से राजधानी पटना से होते बक्सर की सीमा में दाखिल हुए तो ब्रह्मपुर के परमेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। उसके बाद बक्सर के बगीचा उत्सव हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। बुलेटिन की दूसरी सूची है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के सिंडिकेट के समीप बीते दिन प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मनोज पांडे, वरिष्ठ नेता कामेश्वर पांडे, महिला मोर्चा टीम की अध्यक्ष आदि सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मिलकर केंद्र सरकार का पुतला जलाया और आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बुलेटिन की तीसरी सूची है, बगेन थाना के मनकी गांव में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 5 हो गई है। बीते दिन यह रिपोर्ट आई। हरेंद्र सिंह उर्फ काली यादव, दामोदर यादव, इन दो लोगों का इंतकाल हुआ। इससे पहले 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, सत्येंद्र चौधरी, शत्रुघ्न शाह और सुधीर चौधरी। पुलिस इस मामले की तस्दीक कर रही है लेकिन अभी जहरीली शराब की पुष्टि नहीं हुई है। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, धनसोई के रहने वाले महेश जिनकी हत्या होली के दिन 26 मार्च की शाम शहर के ज्योतिष चौक के समीप हो गई थी, उनके परिजनों से मिलने के लिए राजद नेता पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह धनसोई पहुंचे थे। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है, शहर के खलासी मोहल्ला में रहने वाले किराए के मकान में रहने वाले राजा शर्मा, जो राजा बाजार पटना के रहने वाले थे, उन्होंने शुक्रवार की रात फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनके दूसरे साथी जो उनके साथ एमआई सेंटर में काम करते थे, उन्होंने पुलिस को शनिवार को इसकी सूचना दी, तब जाकर यह राज खुला। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ऐसा किया है। बुलेटिन की छठी सुर्खी है, आप यहाँ जिस तस्वीर में पिकअप को देख रहे हैं, इसे शनिवार की देर शाम उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक ने चुरामनपुर अहरौली के बीच से जब्त किया। इसमें 7.5 लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब जब्त की गई है। एक चालक भी गिरफ्तार हुआ है। बुलेटिन की सातवीं सुर्खी है, जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, एसपी मनीष कुमार ने बीते दिन शनिवार को जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए पोलिंग पार्टी डिस्पैच सेंटर, जहां से विधानसभावार पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, उन स्थानों का निरीक्षण किया, वहां के उपलब्ध संसाधनों की जांच की। बुलेटिन की आठवीं सुर्खी भी चुनाव से ही जुड़ी हुई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम से बीते दिन बातचीत की। उन्होंने चल रही तैयारियों के बारे में भी जाना। अपने जिले में भी 6 अप्रैल के बाद मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, ऐसी संभावना है। अब चलते चलते आपके लिए छोटी सूचना, प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से एक साप्ताहिक एपिसोड प्रस्तुत करता है, जिसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के बुलेटिन बस इतना ही।
आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।